अब बेटा इधर देखो, फिल्मों में दृश्य दोहराया जाता है ना, और एक्चुअल में भी कभी देखो, इतने में सही है एक्चुअल में कभी देखोगे ना उस तरह, ठीक है? बट इधर देखो, एक्चुअल में कभी तुमने दिल लगा के देखा हो घर में भी सारी में भी कि किसी की लग उग जाता हूँ थोड़े से तो बेचारा दबा के दबा के यार क्या बेटा सही कह रहा हूँ। लेकिन एक बात हमेशा बहुत दूर को नहीं पता हो बात, मैं बता रहा आपको, अगर तुम बहुत जोर से मार देते हो ना, बहुत ज्यादा फोर्स से मार देते हो तो आदमी मर जाएगा, ठीक है? बात समझ रही ना, बहुत ही ज्यादा फोर्स से, यानी गोली की इतने जितने गोली जिस स्पीड से उस स्पीड से मारो आदमी मर जाएगा। लेकिन चाहे तुम उसके अपेक्षा उससे थोड़ा सा कम और ज्यादा फोर्स लगा के मारोगे तो आदमी के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन आदमी मरेगा, तो उसका स्पंप फैल जाएगा सब जगह। हाँ, सब फैल जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन आदमी मरेगा नहीं। लेकिन हर कोई कहता है कि अगर यहाँ लात पड़ी तो आदमी सीधे ऊपर के ऊपर का दर्शन करेगा, अगर यहाँ ये इसमें अगर थोड़ी सी लग गया ना तो आदमी की हालत खराब हो जाती है, मरने की कंडीशन आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में मरता नहीं है, क्योंकि जो जो बैल होते हैं ना बैल, उनका ये तो तोड़ा जाता है, साले पकड़ा जाते हैं, नहीं पता तुम लोगों को? अरे जब भी मतलब कि कहते नहीं कि ये साला मतलब बड़ा बदतमीज बैल है, चलो इसको वो करवा के लाते, तो डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर इतना बड़ा मशीन लिए रहता है, पकड़ता पहले बांधता है जमदीन, फिर उसका ही टेस्टी दोनों दबा देता है, पकड़ के फोड़ देता है। सही कह रहे हैं, ये बातें तो देखे तुमको, कभी कभी बकरी बकरों के साथ ही ऐसा होता है, जो बकरे ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं, जो बकरे ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं, और जो बैल ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं, जो जो खुद की बकरी को डिसीड करते हैं, पड़ोसन की बकरी को भी। कि जब भी किसी बकरा जब बकरा पकड़ा जाता है और वो सब बकरी को पकड़ना शुरू कर देता है तो पकड़ के उसके टेस्टी तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तोड़ते भाई, कभी कभी बैल का भी टेस्टी तोड़ते हैं ना, क्या कहा करते हैं गाँव में, नसंदी उसे कहते हैं, डॉक्टर लोग तोड़ देते पकड़ के, तो उससे इस वजह से बड़े इसलिए उस वजह से कि उनके अंदर सिर्फ हार्मोन इंक्रीज हो पाता, तो बेचारे घूमते रहते, गाय बगल पड़ी हुई था भैंस बगल पड़ा हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये हार्मोन सिक्रीशन होता है ना, और जब उनके पास औकात रहती है तो साले धरती में नहीं रहते, लोग सीधे आसमान में उड़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है गांव देहात में देखा है कि अगर मेरी गाय है नहीं बच्चे दे रही, मैं तब जाता हूँ लेकर पकड़ के किसी पैनिक बैल के पास और लेके भैया बांध दिए उसके आगे पीछे, रिप्रोडक्शन नहीं, साले को बोलता हूँ थोड़ा सा कर, नहीं मानता, उस साले को ज्यादा डिस्टर्ब कर देता उसे, कभी कभी उसके उबरी को खराब कर देता है, इतना इंटरपोज करता है, और फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं जानवर वाले को, तो कह देता है भैया तुम किस टाइप के बैल को दिखा रहे हो, दो साल पाँच साल वाले जो पाँच साल से कुछ देखे नहीं उनसे दिखा नहीं क्या मतलब, तो कुछ इस तरह। तो फिर पता ढूंढता डॉक्टर कि कहाँ गए थे, हमने पता है वहाँ गए थे, वो टीम भेजता सीधे, बोलता साले और गाय की जिंदगी खराब करे, जाओ इसके टेस्टिस फोड़ के आओ, तो फिर बुलाया जाता है। तो ये है कहानी, और मैंने बताया था एनसीईआरटी जब भी पढ़ाता हूँ रिप्रोडक्शन किसी भी बैठे, तो बताया था ना कि एक कौन से पढ़ाया करता हूँ जिसका नाम था बाबा जी का, पढ़ाता हूँ ना सर, के पढ़ाया था, तो उसमें भी देखो इंसानों की दुनिया में भी ये रूल घुस गया, अब गवर्नमेंट इसको इंसानों में लगा रही है, जो बाबा जितने पंडित लोग होते ना, बाबा पंडित ठीक है जो पूजा वूजा करवाते हैं, तो साले जो भी लड़की आती है ना वो साले मतलब गलत निगाह देखते हैं, सोचते कि ऐसी है वैसी है, साले को ठंडी बजाते रहते हैं, वो सोचते बहुत प्यारी आ जा बहुत प्यारी ढंग सोच वाली, ठीक है? तो गवर्नमेंट उनका पैरामीटर लगा के चेक करता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन हाई तो नहीं, अगर हाई है तो पकड़ उसे टेस्टी फोड़ देते ले साले, तो भक्ति के लायक नहीं है ना, तो काम करने के लायक, तो गवर्नमेंट इसमें भी काम कर रही है। तो भैया ये बहुत महान चीज़ है, हम इसको बचा के चलते हैं, गलती से कहीं अगर ढंग का पुक्का लग जाए तो बचना पड़ता है। और मैंने सुना है, मैं मेल की बात बता दिया, फीमेल की बात सुना हूँ, देखा हूँ, देखो कि नहीं हूँ, सुना पड़ू क्योंकि मेल हूँ अपना खुद देखूँ, लेकिन फीमेल की बात सुना जरूर, कि फीमेल में वैजाइनल जो पार्ट होता है प्राइवेट पार्ट होता है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसे होता है, कमजोर होता है ना लगता है, कैसे पूछ रहे हो, थोड़ी सी अरे तुम सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि बेटा जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो भी नाजुक ही होता है,
अब मुझे नहीं पता, पर डीएनसी आईडी में थोड़ा सा ऐसी लाने सुना ठीक देखो मेरा रोज देखा था होता होता होता, इसका मतलब पक्का कोई ना कोई लो किताब तो कोई मुझे नहीं पता ऐसे बात करना। आओ आगे बढ़ सकते पढ़ गया क्या काम निकला तो फेंक दिए फादर नहीं यार बेटा इधर देखें ये जो है ना इधर देखें ये स्पर्म है ना स्पर्म की बॉडी माइटोकांड्रिया स्पर्म की बॉडी में माइटोकांड्रिया सबसे ज्यादा रोल होता है बात समझ आई यस सर सबसे ज्यादा माइटोकांड्रिया होता है इसलिए इसमें राइबोसोम का नाम नहीं लिया जाता लेकिन माइटोकांड्रिया का नाम जरूर लिया जाएगा स्पर्म की दुनिया में। ओके रिप्रोडक्शन है देखिए इसमें 20 मिलियन से भी ज्यादा स्पर्म एक साथ निकलते हैं बता 20 मिलियन से भी ज्यादा स्पर्म एक मास्टरबेशन निकलते हैं और एक इंटरकोर्स निकलते हैं क्या होगा लेकिन बेटा हमेशा याद रखना जो भी स्पर्म को वेस्ट करता है स्पर्म को वेस्ट करता है फीमेल भी मने करता है पशुपालन स्पर्म जो होते हैं ना स्पर्म को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर भैया कई लड़के मतलब कई बॉयज होते कई गर्ल्स होते जो मतलब कम एज में स्पर्म को वेस्ट कर देते हैं मास्टरबेशन के थ्रू निकाल देते हैं या कई रीजन से सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू निकाल देते हैं तो जो छोटी एज में ये गलती करते हैं ना तो जब उनकी मैरिज लाइफ आती है ना उस टाइम उनको बड़ी समस्या हो जाती है यानी खुद का बेबी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास स्पर्म है बचता ही नहीं और जो थोड़ा बहुत बचा वो मेच्योर नहीं बचता अनमेच्योर बचता है भाई पके पके खाओगे से पहले कच्चे कच्चे कौन खाता है वो एक कहानी है तो भैया वही हिसाब से चल जाती है बाद स्पर्म की संख्या घट जाती है और जो बचती है थोड़ी बहुत वो अनमेच्योर कंडीशन में चली जाती है इस वजह से लफड़ा हो जाता है। ओके यानी दिक्कत इसलिए कहा जाता है कि प्लीज गलत रास्ते मत चलो गलत संगत मत करो गलत काम मत करो। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं क्योंकि बुजुर्ग ये सब जानते हैं कुछ बुजुर्ग भोगे भी नहीं होंगे अब समझा रहे हैं हमको कहा पता कि सारा बुजुर्ग जो झेले करें झेले हम भी करेंगे फिर बाद में देखें समझाएंगे अपने जनरेशन को ये कहानियां है कोई दिक्कत है यादक एनी डाउट एनी प्रॉब्लम एनी दिक्कत उनकी टाइम बोल रहे थे देखिए ये सब समस्या है ठीक है इन समस्याओं का समाधान हमने आपको आपके सामने कर दिया है। अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे आपका रिजल्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाँ। इसके बाद अगर मूड हुआ तो एक कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा ठीक है।